नमस्ते, आप सभी को फिर से मेरा YouTube चैनल तसोंग पानोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट वाला वीडियो होगा। आज का टॉपिक जो है ये आज का एग्जैक्टली टॉपिक जो है HIV एड्स एंड एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपिंग का ऊपर में होगा। सबसे चिंता वाला बात तो ये भी हो गया कि पांगन जैसा छोटा वाला जगह में, मेरा गाँव में, यहाँ में भी अभी हाल ही में ऐसे कुछ पता चला है कि जो एडोलेसेंट पीरियड का में जो बच्चा है 12 to 18 ईयर्स का, इसमें भी कुछ कुछ लोगों को डिटेक्ट किया है कि मतलब इतना छोटा छोटा बच्चा भी अभी ड्रग यूज़ कर रहा है बोल के। तो ये हमारा बस्ती के लिए भी बहुत चिंता वाला बात है। शायद मेरे ख्याल से ये सिर्फ पांगन में नहीं होता होगा, ऑल ओवर अरुणाचल में यही हाल हो रहा होगा। तो हमारा स्टेट के लिए भी और सबके लिए, नेशन के लिए भी ये बहुत चिंता वाला बात है। इस चीज़ को अभी नहीं रोकने से कल को ऐसा होगा कि हर घर में ड्रग्स एडिक्टेड मिलेगा। और दूसरा चीज़ जो है, जैसे HIV एड्स, ये भी ड्रग्स से रिलेटेड है। जैसे बच्चा लोग जो ड्रग यूज़ करता है, सीरियंस निडल को जो है शेयरिंग करता है, नहीं होने से भी कभी कभी, मतलब टू बी फ्रैंक, ऐसे है कि जो छोटा छोटा लड़का लड़की है, बच्चा लोग, जब ड्रग एडिक्ट होने के बाद में वो लोग जो है कमाने का जरिया नहीं होने का वजह से, पैसा नहीं मिलने का वजह से खराब खराब काम भी कर लेता है, तो उसका वजह से भी STD जो है रेपिडली बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो है हमारा पांगन स्टूडेंट यूनियन का तरफ से ये अवेयरनेस कैंपिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आज। और आज का अवेयरनेस कैंपिंग में जो है रिसोर्स पर्सन डिप्टी डायरेक्टर अरुणाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगन भी अटेंड करेगा, और वुमेन अगेंस्ट सोशल एविल का जनरल सेक्रेटरी मैडम जया तासंग मोयोंग और उनका साथ में उनका टीम। तो आज का जितना भी, मतलब वो हमें ये होगा उन लोग का अवेयरनेस में जो स्पीच देगा, आप सबको जो उन लोग नॉलेज देना चाहता है, जो उन लोग का एक्सपीरियंस है, जो इसका कॉजेस और कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट जितना भी है, सब कुछ उन लोग रिसोर्स पर्सन जो है आप सबको बताएगा। I heartily welcome our chief guest Lobsang Sering ji, Education Secretary, All Arunachal Pradesh Student Union, and also welcome Sri Tasarup Pali ji, Arunachal State Aids Control Society Nahrlagun, and Ma'am Jaya Tasung, General Secretary, Women Against Social Evils Pasigat, and her teams. Drugs. पेडलर का जो ड्रग्स बेचता है उसका मोडस ऑपरेंडी आप लोग ठीक से समझना चाहिए। हम लोगों ने इस 9-10 साल में हमने क्या देखा है, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला है, वो आपको आज बताएगा। ड्रग पेडलर का मोडस ऑपरेंडी क्या है? सबसे पहले वो बच्चे को आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा घर का है, अमीर घर का है, गरीब घर का है, गाँव का है, टाउन का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आइडेंटिफाई करके रखता है किसका बच्चा है। उसके बाद ये वो आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सा फैमिली का है, ब्रोकन फैमिली का है, माता पिता के बीच में तनाव चल रहा है, पिता ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने पापा को छोड़ दिया, माँ तास उससे खेलने जाता है, ऑल दिस थिंग्स सबको देखता है। फिर देखते हैं स्कूल में बच्चों को, किसका बॉयफ्रेंड किसको छोड़ दिया, किसका गर्लफ्रेंड किसको छोड़ दिया। फिर देखते हैं बच्चों को कि उसका एकेडमिक फेलियर कैसा है, उसका एम क्या था, वो बनना क्या चाहता था, वो मिला ही कि नहीं, वो साइंस स्ट्रीम जाना चाहता है, जा नहीं पाए बिकॉज परसेंटेज में नहीं मिला, वो आर्ट्स स्ट्रीम जाना चाहता है, पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, सब देख लेता है। सब देखने के बाद वो बच्चों को उसी के हिसाब से वो ड्रग्स फ्री में एक या दो बार देता है। और ड्रग्स ऐसा चीज है जो एक बार, किसी किसी को एक बार में ही एडिक्शन लग जाता है, किसी को दो बार में, दो बार लिया तो जरूर एडिक्शन हो जाएगा। और एडिक्शन क्या है? एडिक्शन वो है जो आप बार बार उसको करना चाहता है। तो ड्रग्स में वो एडिक्टिव वाला केमिकल बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रग्स में है वो एडिक्टिव केमिकल। तो इसीलिए एक या दो बार फ्री में आपको देगा, और जब आपको ये देगा वो ये कहते देगा कि हम बुबिंग हैं, हम भैया हैं, हम मिमी हैं, देखो आपका पिताजी ऐसे किया है, छोड़ दो इसको, पियो इसको, पीने से आपको मन हल्का होगा, आप सब दुख दर्द भूल जाएगा। हमने भी पिया है, हमने भी ब्राउन शुगर लिया है, हमने भी हीरोइन इंजेक्ट किया है, उसके बाद मेरा दुख दर्द सब हम भूल जाता है आपको देगा।
आपको मोटरसाइकिल चलाने देगा, चलो यहाँ से आप बाजार देखिए, आपको उसका फोन देगा, गेम खेलो फ्री में, ये सब करके आपको दोस्ती कर लेगा, आपका दिल जीत लेगा, उसके बाद आपको ड्रग्स देगा, ये लो फर्स्ट फिर सेकेंड ले लो, आपको सच्ची में उसको उसका बात अच्छा लगेगा, सच लगेगा। लेकिन थर्ड टाइम जब आप उसके पास जाएगा फिर वही ड्रग्स लेने अपना गम भुलाने के लिए, तब वो बोलेगा ये ड्रग्स हमने खरीद के लाया है, ये ड्रग्स बहुत दाम है, फ्री में हम बार बार नहीं दे सकता है, तुम हमको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज देयर मोडस ऑपरेंडी, अपना ड्रग्स को ड्रग को ट्रेड को बढ़ाने का वो मोडस ऑपरेंडी है। आप लोग तो सिर्फ एक जरिया है उसका पैसा कमाने का जरिया, आप लोग हैं, आप लोगों के मामी पापा के एटीएम से पर्स से घर से पैसा चुराना, एटीएम से पैसा चुराना, फोर्ज करके चेक में साइन करके पैसा लेना, तो आप लोग तो एक जरिया है। उसका टारगेट तो आपका मामी पापा का पैसा है, उसका टारगेट तो आपका मामी पापा का रातों को नींद नहीं आना, उसका आंसू है उसका टारगेट। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, सिर्फ आपको थोड़ा विल पावर चाहिए। हम जब आपकी उम्र के थे वी वर नॉट दैट इंटेलिजेंट, वी वर नॉट दैट, इतना समझदार हम नहीं था, इतना इंटेलिजेंट नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन अभी के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग का दिमाग बहुत चलता है, आप लोग बहुत कुछ जानता है, लेकिन इसको आप लोग सही डायरेक्शन में यू हैव टू टेक इट। तो इसीलिए मोडस ऑपरेंडी हमने बता दिया, तो ऐसे करके वो ड्रग को वो बच्चों को एडिक्ट बनाता है, एडिक्ट बना के उससे पैसा कमाता है, वो उनका मोडस ऑपरेंडी है। इसके बाद हमारे देश में, हमारे अरुणाचल देश को छोड़ो, पहले अरुणाचल के बारे में बात करते हैं, अरुणाचल में इतना ड्रग एडिक्ट बच्चे क्यों फेल गया, इतना परसेंटेज क्यों एट एन अलार्मिंग रेट इतना क्यों बढ़ गया है, यहाँ में क्यों चोरी लूट डकैती इतना क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज जितना कारण हमने पहले बताया, डोमेस्टिक वायलेंस हो, मम्मी टाइम नहीं देते, पापा टाइम नहीं देते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वो हो, एकेडमिक फेलियर हो, वट एवर पीयर प्रेशर, जैसे सर ने बताया, ये सब रीजंस को बाहर बैठ के हमारे देश के दुश्मन उसका फायदा उठा रहा है, और हमारे देश के दुश्मन हमारे बीच भी मौजूद है। इसमें इंटरनेशनल एजेंडा है, क्यों इंटरनेशनल एजेंडा है, और ड्रग एडिक्ट परसेंटेज में हमारे बच्चे यूथ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देश का दुश्मन जब देश को तोड़ना चाहता है तो सबसे पहले आप लोगों को टारगेट करता है, यूथ को टारगेट करता है। व्हाई? बिकॉज यू आर आवर फ्यूचर, आप हमारे कल की मजबूत कल है, तो उस मजबूत कल को उस वो गिराना है, उसको बीमार करना है, तो इसलिए आप लोगों को टारगेट करता है। कैसे टारगेट करता है? थ्रू ड्रग्स, थ्रू रिलीजन, थ्रू वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं। दिस इज वोमेन अगेंस्ट सोशलिज्म मदर्स और ग्रैंड मदर्स का ऑब्जर्वेशन है 9-10 साल का, इसीलिए हम बता रहे हैं। ड्रग्स वॉल्यूम पुश करता है, जो असम में इलीगली सेटल, नॉट ऑल द बांग्लादेशी बट द बांग्लादेशी जो इलीगली सेटल्ड है वो लोग जमीन चाहता है, तो वो क्या करता है, हमारे जो असम के काउंटर पर उन्होंने बताया कि जब कभी भी हम अरुणाचल साइड में वो जमीन लेने करता है तो वी रिपोर्ट, हम शांति से लेने नहीं देता, उन लोग मार के देखा, किडनेप करके भी देखा, थ्रेटनिंग करके भी देखा, लेकिन हम जो ट्राइबल पीपल है हम डरता नहीं है, वो एक को मारेगा हम गांव का गांव जाके उसको ढूंढता है, वो लोग ऐसे कहता है। तो दिस वे वी कैन नॉट टेक अवे देयर लैंड्स, तो बेस्ट वे इज क्या है, थ्रू ड्रग। दिस इज इलीगली सेटल बांग्लादेशी का एजेंडा है, ऐसे हमें बताया गया है, तो वो आज हम आपको आप सबको कहना बताना चाहता हूँ, स्पेशली ये गांव बूढ़ा बूढ़ी जो आए हैं, आपको अवेयर होना है इस बात में कितना सच्चाई है, ये हम पता नहीं, हमने सरकार को भी लिख के दे दिया है, लेकिन हमको तो सच लगता है, क्योंकि हर गांव में, हर गली में, हर घर में एक ना एक बच्चा ड्रग एडिक्ट है, आजकल तो बेटी भी हो गया है, तो उनका एजेंडा तो सच होगा, आप सब ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, आप बीमार हो गए, आप हमसे पहले हमको छोड़ के चला जाएगा, तो हमारा कल कौन है, ऑटोमेटिक हम भी तो मरने वाले हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल, आपको अपना विल पावर बढ़ाना है, गलत चीज़ों में नहीं जाना है,
इंटरनेशनल एजेंडा ये है, ट्रू ड्रग्स। एक है रिलीजन, रिलीजन को भी लेके बहुत हमारे बीच में तनाव क्रिएट कर रहा है, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर रहा है, हमारे स्टेट में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, रिलीजन को कभी बीच में नहीं आने देना है। आपको ये सोचना है कि खुद से पहले हमारे देश सबसे बड़ा है, उसके बाद सब कुछ। दिस फीलिंग आप लोगों को फिर से जगाना है। अगर आप एक महान भारत में रहना चाहते हैं, महान भारत का नागरिक बनना चाहता है, आप भारत माँ का सच्चा बेटा बेटी बनना चाहता है, तो दिस फीलिंग यू हैव टू अपने आप में फिर से जगाना है। बीच में किसी को आने नहीं देगा, चाहे वो धर्म हो, जात हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट नाउ, क्योंकि टारगेट आप लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम मदर्स, वोमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मदर्स, ग्रैंड मदर्स, ये सब देख के बहुत दुखी है। आपको ड्रग्स ले जा रहा है, आपको पॉलिटिक्स ले जा रहा है, आपको रिलीजन ले जा रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक है सब्जी, हम दिन में कितना बार सब्जी खाते हैं, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में है कि नहीं, लंच में खाते हैं, फिर रात का खाना भी खाते हैं, तीन टाइम हम लोग सब्जी खाता है। और कौन सा सब्जी हम लोग खाता है, हम लोग तो खुद नहीं उगाता है, कोई कोई उगाता है, वो टाउन में जितना है सब बाजार से खरीदता है, और वो सब्जी में क्या है, ऑल केमिकल्स है। हमारा जाम पानी में जितना सब्जी उगा रहा है, बैंगन हो, आलू हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, पम्पकिन हो, जो भी हो, केमिकल से बना है वो सब्जी। जो जिस मिर्चा घास में, जिस आलू का पेड़ में, पौधा में 10 आलू लगना है, 10 मिर्चा निकलना, वहाँ में 20, 40, 50 निकल रहा है, क्यों, दवाई के कारण। और वो सब कौन खा रहा है, हम। तो वो दवाई खाने से क्या होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, है कि नहीं, आपका रिप्रोडक्शन में भी मतलब इतना बीमार तो बहुत होगा, वो तो डॉक्टर्स ज़्यादा जानते हैं। हमने जो देखा है हेल्थ रिप्रोडक्शन में भी बहुत, अभी हमारे बेटियाँ जो है शादी करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं करते, क्या करते हैं, अभी ज़्यादातर बेटियाँ डिब्रूगढ़ जाता है, गुवाहाटी जाता है, आरके मिशन जाता है। तो ये तीन चीज़ से हमको मार रहा है, और जो सबसे डरावनी है, दैट इज ड्रग्स। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ड्रग्स से क्या क्या होता है, आप सिर्फ सोचते हैं कि हम तो सिर्फ ड्रग्स लेते हैं, हमको कोई फोर्स नहीं किया है, हम तो दुख है इसीलिए ड्रग्स लेते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया इसीलिए हम ड्रग्स लेते हैं। या यू गेट इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आप लोग टीवी मोबाइल ये सब देख के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देख से होकर आप लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स से बहुत कुछ लेते हैं। जब आप ड्रग्स खरीदता है फर्स्ट टाइम, ऑलवेज रिमेंबर, आप माँ का आंसू खरीद रहा है, पापा का आंसू खरीद रहा है, 500, 1500, 2000, 2500, आप माँ का आंसू खरीद रहे हैं, पापा का आंसू खरीद रहे हैं। और ड्रग्स लेने के वजह क्या होता है, उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत सारा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होके मरा है, लेकिन नहीं कार एक्सीडेंट, बहुत सुसाइड केसेस हो गया है, क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद सुसाइडल टेंडेंसी आता है, खुद को मारने का, मर जाने का मन करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये ड्रग्स आपको करवाता है। जैसे सार ने बताया, कुछ है नहीं पर आपको कुछ दिखता है, बिकॉज ऑफ ड्रग्स। फिर ओवरडोज, ज़्यादा ड्रग्स करने की वजह से आप ड्रग्स लेने के बाद सोच के मर जाता है, उसके बाद में लीवर कैंसर होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, इंजेक्शन पुश करके, आपने किसी इन्फेक्टेड उसका इंजेक्शन लिया, आपने भी पुश किया, आपका हेपेटाइटिस बी सी हो जाता है, आपका लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये बहुत सारा रीजन्स है जो आपको बताया, सर ने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद हमने वहाँ में पासीघाट में लास्ट ईयर एक महिला को पकड़ा था, वेलेंटिना टायोम, उसको पकड़ने के लिए एसपी सर और हम वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस 3 महीना लगा उसको लोकेट करने के लिए, उसका कैसे वो सामान लेता है, किसको भेजता है। 3 महीना लगने के बाद उसको एक रात हम लोगों ने पकड़ा, पूरा शाम का 5:30 से शुरू होके हम लोग घर वापस 4:30 को वापस आया है, पुलिस थाना 3:30 वापस आया है सुबह का, शाम से शुरू करें। और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो एक महिला थी शादीशुदा, वो क्या करता है, वो खुद नहीं लेता है ड्रग्स, लेकिन आप लोगों से करवाता है। आप लोगों को ड्रग एडिक्ट बनेगा, उसके बाद आप लोगों से करता है, क्यों, क्योंकि रिक्स आपका, वो तो घर भेज भेज के पैसा ले लेता है सर, उसका काम है सिर्फ पैसा हाथ से देना, जाओ ड्रग्स लेके आओ, दीमापुर से
नागालैंड से, मणिपुर से ड्रग्स लेके आओ, ड्रग्स लेके जहाँ जहाँ देने दो, उसके बाद वहाँ से उसको पैसा मिलेगा, वो पैसा लेके आप लोग उसको फिर वापस देगा। उसका काम है पैसा देना, और 1 लाख दिया तो 5 लाख उसका हाथ में वापस आना, बस वही काम था, नो रिस्क। इसीलिए उसको पकड़ने के लिए हम लोगों को 3 महीना लगा उसको ट्रैकिंग करके। तो उसने पकड़ा, उसके बाद में क्या पता चला हमको, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन उसका बच्चा जिसको जो ड्रग एडिक्ट था, जिसको उन्होंने ड्रग एडिक्ट बनाया है अपना काम करवाने के लिए, इतना वो इतना गिरी हुई औरत थी कि वो उसका खुद का पति के लिए एक लड़की रखा था, यही का था 17 ईयर्स, पति का साथ में उसको सोने देता है, ड्रग्स उसको फ्री में देता है, और वो लड़की का काम थे, क्या था, लड़का लोग को वो भेजेगा दीमापुर, सामान लेके आओ, कंसाइनमेंट लेके आएगा, रानगर ब्रिज में वो लड़की रहेगा, किसी लड़का ड्रग एडिक्ट से, बच्चा जिसको वो बनाया है ड्रग एडिक्ट, वो दोनों स्कूटी से उसको रिसीव करेगा, उसके बाद जो पांगन जाना है ड्रग्स, उसको पांगन से जो नीचे आते हैं लेने के लिए, उसका हाथ में देगा, उससे पैसा लेगा। जो आलम जाना है ड्रग्स, उसका हाथ में आलम का उसको सप्लाई को देगा, उससे पैसा लेगा। जो इंक्यूम जाना है, उसका हाथ में उसका पैकेट ले लेगा और पैसा लेगा। पास 3 जगह से पैसा लेके वो वापस जाएगा सिकंदोडे, वहाँ में वेलेंटिनिया टाइम मेन सप्लायर, मेन ड्रग एडिक्ट, उसका हाथ में पैसा लेगा। नो रिस्क उसका, रिस्क किसका है, जो बच्चा जाके दीमापुर से ड्रग्स लेता है, जो बच्चा जाके मोरे से ड्रग्स लेता है, और ये बच्चा जो पांगन से, बोलन से, यिंग्क्यांग से, आनोंग से सामान को लेने जाता है, रिस्क उसका। और बस उसको पकड़ा कैसे वेलेंटिना टाइम को, ये सब बच्चों को पकड़ पकड़ के तब जाके उसको पकड़ा, क्योंकि वो मैंने के सोशल लेवल्स का टारगेट था, मेन सप्लायर नॉट जो आप लोग हैं, जिसको वेलेंटिना टाइम जैसे ड्रग पेडलर ने ड्रग एडिक्ट बनाया, आप लोग टारगेट नहीं है। तो इसीलिए उसको इस बहुत मेहनत लगा पकड़ा। तो क्या करता है बोलो, वो लोग आपको ड्रग एडिक्ट बनाने के बाद में जब आपका पिता को माता पिता को पता चलता है कि यू हैव बिकम अ ड्रग एडिक्ट, तो आपको पैसा देना बंद करता है। आप स्कूल के लिए पैसा मांगेगा, किताब पेन स्कूल ड्रेस व्हाटएवर आप पैसा मांगेगा, या ये चिप्स मोमो खाएगा, पहले तो देता था क्योंकि आपसे प्यार करता है, अभी नहीं देता है क्योंकि आपसे, क्योंकि अभी आपको और ज़्यादा केयर लेना पड़ेगा और ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, इसलिए आपको पैसा नहीं देता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप एडिक्ट हो गया है, आपको वो लत लग गया है, आपको तो ड्रग्स 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 ही चाहिए। तो जब माता पिता से पैसा नहीं मिलता, रिलेटिव पैसा देना बंद करता है, तब जाके आप वेलेंटिना टाइम जैसे ड्रग पेलर का पास में जाता है, तब वो आपको बुलाता है, थ्रू आपके फ्रेंड्स जो आपको ड्रग्स में इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू भी आपको बुलाता है, आने बोलो उसको बताओ कि हम फ्री से देगा, आप जाता है आपको फ्री से देते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ड्रग्स सप्लाई, आप उसका छोटा वाला ड्रग पेलर सप्लाई बनना पड़ेगा, सप्लायर बनना पड़ेगा, उसका मान को लेके आप उसका लोकेशन में पहुँचा देना पड़ेगा। इसीलिए आज हमारे समाज में चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो नॉन ट्राइबल हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, डोनीपुर हो, जो भी हो, चाहे वो DC हो, चाहे वो MP MLA हो, मिनिस्टर हो, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फार्मर हो, पंचायत लीडर हो, लेबर का बच्चा हो, सब ड्रग पेडलर बन गया है, क्योंकि सब अवेयर हो गया है, तो पैसा देना बंद किया है। तो हमारे बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट जो पहले था, अभी वो ड्रग पेडलर बन गया है, छोटा मोटा एक सब उसका मेन पैसा वेलेंटिना टाइम जैसे बड़ा ड्रग पेडलर। तो आप लोगों को समझना चाहिए बिफोर टेकिंग ड्रग्स, आपको समझना चाहिए कि आप क्या करने जा रहा है। आज पुलिस वाला इन्वॉल्व है, नॉट ऑल बट कुछ पुलिस वाला इन्वॉल्व है ड्रग पेडलिंग में, क्योंकि वो खुद भी ड्रग एडिक्ट है। IRBN बच्चे हमारे बेटे ड्रग पेडलर है, क्यों, क्योंकि वो खुद ड्रग एडिक्ट है। He is compelled, उसको एडिक्शन ने कंपेयर करा दिया कि वो IRBN है, पुलिस है, वो टीचर है, लेकिन भी वो ड्रग पेडलर बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा, क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए, उसके लिए ड्रग्स सप्लाई के पास में उसको फ्री से ड्रग्स मिलता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आज हम जो टीचर्स हमारे बच्चों के साथ में आए, उनसे आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं एज वोमेन के सोशल मदर्स एंड ब्रेन मदर्स की तरफ से, कि हमारे बच्चे जो ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, कुछ बच्चे जो है घर में तनाव है,
वो दुख है, वो उसका बात जो है वो खुद का दिल के अंदर में जो दबा हुआ बात है, जो दर्द है, जो पेन है, वो अपना माँ को नहीं बता पाता, अपना पिता को नहीं बता पाता, अपना माँ को बताने से पिता से डरता है। और हमारे ट्राइबल सोसाइटीज में क्या है, माँ जो है उसके पापा से, उसके पति से डरता है, वो भी खुल के नहीं बोल सकता है। तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे गो इन टू ड्रग एडिक्शन। तो इसीलिए हम आज टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ स्कूल में आप टीचर हो हैं, लेकिन एक फ्रेंड भी जरूर बनिए। आप बच्चों के ईच ट्राई टू आइडेंटिफाई हर एक बच्चा को कि ये वो बच्चा है, ये ठीक है, अरे ये तो इतना फुर्ती वाला बच्चा था, इसको क्या हो गया है, इतना गुमसुम है, इतना उदास उदास सा है, या इतना वायलेंट है, क्यों वायलेंट हो गया, इतना गुस्सा कैसे हो गया, कब से हो गया, रीज़न क्या है, इतना चुपचुप सा क्यों हो गया है, रीज़न क्या है। इसीलिए वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मदर्स की तरफ से आज टीचर आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को चलो मिलकर और थोड़ा अच्छा से ख्याल लें, ताकि उसको समय में हम पकड़ें, ड्रग एडिक्शन में जाने नहीं देना, क्योंकि आज हमको मिलकर करना है ये सब। ओनली वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मदर्स कैन नॉट डू इट अलोन। नहीं, कितना साल हो गया हम ये काम करते करते। आज हम गाँव बूढ़ा बूढ़ी जो आया है, लोलुंगुम रोकडुम लोलुंगुम आई पक आप आइए गांव भी तो मेडोलू में आगम करना डेप मेहमाना पर अपना पावर फंक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई पापा हम इलाप है का जो मिली ला इलाप है नो टोलू लो हर को अमी ला दू कपन अमी को ला दू इनको कुल भी इडो दू जब अन्य को काब हम ला कर जब हम मिल के करेंगे तो हम एक दिन सक्सेस जरूर होगा। अदरवाइज पुलिस अलाउंड कैन नॉट डू इट, डिस्ट्रिक्ट अलाउंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंड कैन नॉट डू इट, वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स अलाउंड कैन नॉट डू इट। नाउ वी हैव टू यूनाइट, अभी हमको मिलना है, यूनाइट वी हैव टू गिव इट अ यूनाइटेड फाइट, मिल के उनको मुंह तोड़ जवाब देना है जो हमारे बच्चों को हमको छीन हमसे छीन के ले जाता है। अब समय आ गया है, इसमें रिलीजन को आने मत दो, इसमें पॉलिटिक्स को आने मत दो, इसमें ऊंच नीच को आने मत दो, अब ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल को आने मत दो। क्यों? कि बच्चा हमारा फ्यूचर है, बच्चा हमारा जीवन है, हमारे बच्चे हैं तो हम हैं। सो लेट अस गिव इट अ यूनाइटेड फाइट नाउ। और कुछ बच्चे जो है जब आप दुख होके ये सब करने चले जाते हैं, ड्रग एडिक्शन को चूज करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर आवर फर्स्ट वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मदर्स का चेहरा हमेशा याद रखो। लोग हमें पूछते याद रखो, क्योंकि हमको बहुत सारा नाम दिया गया है, तालिबान, गुलाब गैंग, पैरेलल गम में चलाने वाला, किसी का बात नहीं सुनता है, वो लोग लोगों को अपना हाथ में लेता है, लेकिन हम कौन है, हु आर वी, जो हमारा सच्चाई क्या है, वी आर द विक्टिम्स। हम तो वो माँ है जिन्होंने बच्चों अपने बेटा को ड्रग्स में खोया है, हम तो वो बड़ी दीदी है जिन्होंने अपने भाई को, छोटा भाई को ड्रग्स में खोया है, जिन्होंने अपने छोटे भाई को ड्रग्स की वजह से उसके हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है, बिकॉज आई कैन नॉट, हम उसको एक नया किडनी नहीं दे सका, ड्रग एडिक्ट होके उसका किडनी खराब हो गया, तो हमको जल्दी से, मेरे पास पैसा नहीं था, हम दीदी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या लेना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, इतना जल्दी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, तो इसीलिए मेरा छोटा भाई ड्यू टू ड्रग एडिक्शन मेरे हाथों में ही दम तोड़ के चला गया, वो दीदी है। हम वो माँ है जिन्होंने अपने इकलौता बेटा को ड्रग्स में खोया है, हम वो माँ है जो हर शाम आप लोगों के लिए रुकता है, आप स्कूल चला गया कब आप घर वापस आएगा, खाना नहीं खाया, आपके साथ हम खाना खाएंगे ये सोच के हम रुकता है। लोग हमें पूछते हैं कि आप लोग को डर नहीं लगता ये सब काम करते हुए, ड्रग पेडलर्स का साथ लड़ना, पहले तो पुलिस के साथ भी, डीसी के साथ भी, अभी तो बहुत आसान हो गया, पुलिस भी बहुत एक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत प्रोएक्टिव रोल ले रहा है, इसीलिए काम करने के लिए आसान हो गया। हम हमसे पूछते कि आप लोगों को डर नहीं लगता है क्या ड्रग पेडलर्स से, अब तो डर कैसा, हमारा डर क्या था कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट ना बन जाए, हमारे बच्चे ड्रग ड्यू टू ड्रग एडिक्शन हमको छोड़ के ना चला जाए, तो ये सब तो सच हो गया, तो अब डर किस बात का। हमें डेथ थ्रेट दिया गया है, एक साल के अंदर मार दिया जाएगा,
27 सितंबर 2017 एनोनिमस लेटर हमारे पास आता है पोस्ट ऑफिस से कि सिंस आप लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ शराब के खिलाफ काम नहीं रोका है, आप लोगों को एक साल के अंदर मार दिया जाएगा, आप लोगों को दूसरा सोलुंग देखने को सोलुंग फेस्टिवल देखने का मौका नहीं मिलेगा। ब्लैक से साइन करके हमें लेटर दिया गया। हमें कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर में अभी हम लोग कोर्ट समन, हम लोग बहुत सारा ड्रग पेडलर पकड़ रहे हैं इसलिए कोर्ट समन भी बहुत आता है। ये महीना जून में तो दो बार हम लोग जा चुका है 5 और 6, अभी 19 में है, 21 में है, 22 में है, कोर्ट में हम लोग जाएगा, हाजिरी देगा आप लोगों की। कोर्ट समन के लिए जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर में हमको ड्रग पेडलर हमारा फोटो लेता है, हमारा वीडियो लेता है। क्यों लेता है वो फोटो वीडियो किसको भेजेगा? हमें चाकू से मार देने का धमकी देता है जब हम लोग उसको पकड़ता है ड्रग्स के साथ में। और ये सब हम लोग क्यों कर रहा है? हमें डर क्यों नहीं है? डर है ना, हम भी इंसान है, हम भी डरता है ना, लेकिन अब वो डर पीछे भूल ही गया। क्यों? आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें लड़ना है आप लोगों के लिए। हमारे बच्चे ड्रग्स लेके वापस आके जब रानी में एक्सीडेंट में मर गया तो हम तो माँ हैं, आपको भी हम भी मरना चाहता था पर हम मरा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जीना है उस बेटे के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे बेटियों के लिए, मेरे बेटों के लिए, हमको तो जीना है। लाइफ इज ब्यूटिफुल। इतने सारे दुख हैं, इतने सारे गम दिए हैं, मिले हैं, बट स्टिल वी से लाइफ इज ब्यूटिफुल। इसको जीना है एंड रेस्पॉन्सिबली जीना है। जिसका जो कर्तव्य है उसको निभाना है। वुमेन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस तो अपने साथ में कफन लेके चलते हैं जब भी घर से निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं हम घर वापस जिंदा लौटेंगे कि नहीं। ये सब क्यों? हमने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया है इसके लिए, आप लोगों के लिए। सो नाउ इट इज इन योर हैंड, आप लोगों के हाथों में, कि हमको विनर बनाना या लूजर बनाना। क्यों? आप लोगों के हाथों में। हम तो कहते हैं इसमें ना हमको विनर ना पुलिस बना सकता है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना सकता है हमको लूजर, ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन, इवन ड्रग पेडलर, हमको कोई विनर हमको कोई लूजर नहीं बना सकता है सिवाय आपके। आप लोगों के हाथों में हमको विनर बनाना, हमको लूजर बनाना आप लोगों के हाथों में। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने इस माँ को, वोमेन अगेंस्ट सोशल वर्कर्स माँ को, वोमेन अगेंस्ट सोशल वर्कर्स ग्रैंड मदर्स को, आप क्या बनाना चाहते हैं? विनर और लूजर? यू टेल मी टुडे, आप बताओ क्या बनाना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, वही हम सुनना चाहते हैं। और विनर कैसे बनाएगा? यू हैव टू डिसाइड ना, कैसे विनर बनाएगा? जस्ट बाय सेइंग नो टू ड्रग्स। बस आप एक नो कर दो ड्रग्स को तो पुलिस का काम करो मत करो इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, काम करो मत करो इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ड्रग पेडलर। जितना भी मोडस ऑपरेंडी बनाओ, नया नया मोडस ऑपरेंडी बनाओ, कुछ होने वाला नहीं है जब हमारे बच्चे हमारे साथ है, जब हमारे बच्चे हमारे पास है। और व्हेन दे से नो, व्हेन दे हैव टू, व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू से नो टू ड्रग्स, तो हम विनर बन गया। तो यही आप लोग हमेशा दिल में रखना है कि वुमेन अगेंस्ट सोशल वर्कर्स मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को हमें विनर बनाना है कि नहीं? तो इसीलिए थैंक यू सो मच, आप लोग हमको विनर बनाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव कम फॉर। पासीघाट से क्यों आया है? इसी के लिए हमको स्टेट, हम वुमेन अगेंस्ट सोशल वर्कर्स को नेशनल स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में रिकॉग्नाइजेशन दिया है, अवार्ड दिया है, देता है, इसीलिए लेता है। नहीं लेने से भी वो डिसरेस्पेक्ट होगा, वो हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा असली अवार्ड, हमारा असली अचीवमेंट क्या है जो आज आप लोगों ने हमें दिया है? आप हमें विनर बनाना चाहते हैं, और विनर कैसे आप लोग हमको बनाएगा? वो मैंने कहा सोशल वर्कर्स अपने माँ को, अपने ग्रैंड मदर्स को, जस्ट बाय सेइंग नो टू ड्रग्स। बहुत सिंपल है, बस यही है, ये याद रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच। लास्टली वुमेन अगेंस्ट सोशल वर्कर्स मदर्स ने एक ट्रेडिशन शुरू किया है कि हम जो बोलना चाहते हैं बताने के बाद लास्ट में हम लोग जय भारत माता की जय 3 बार बोलता है, बिकॉज वी वॉन्ट आवर सेल्फ टू रिमाइंड कि हम कौन है सबसे पहले।
हम कौन है? हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद सब कुछ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जितना भी आज का अवेयरनेस कैंपिंग का कवरेज इतना ही था, तो होप करता है आप सब जो है इस चीज़ का एंटी ड्रग्स का जो एंटी ड्रग्स मूवमेंट जो है उसका साथ में देगा बोल के, और आप सबसे बहुत जल्द मिलेगा नेक्स्ट मेरा नॉर्मल ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।